नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मास्टर सेशन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बेहतरीन सी एक ऐसी ट्रेनिंग बताने वाला हूं, जिस ट्रेनिंग को आप घर पे ही करके दोस्तों हैंड पावर, शोल्डर पावर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। चाहे दोस्तों मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिस बताऊंगा जिससे आप घर पे ही विदाउट एनी कोच, विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर आप घर पे ही कर पाएंगे। और आपको दोस्तों एक टास्क मिलेगा जिसके हिसाब से आपकी पावर दिन पर दिन इंक्रीज होती चली जाएगी, और एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या बेनिफिट चल रहा है इससे। जो भी दोस्तों मैं टास्क आपको आज बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप में भी बच्चों दे रखा है। बाकायदे उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें 100 डेज बॉक्स बने हुए हैं, और उन बॉक्स को पर डे वो ट्रेनिंग में लाते हैं। और दोस्तों इस टास्क में आपको एक चैलेंज करना है अपने आप से। सेल्फ चैलेंज ये है दोस्तों कि आपको पर डे एक पुशअप्स बढ़ाना है। एक पुशअप बढ़ाने का मीन ये है दोस्तों कि आज अगर आपसे 5 हो पा रहे हैं तो कल की डेट में आपको कोशिश करना है 6 हो जाए। और जो लास्ट पुशअप्स आपका होता है, लास्ट पुशअप जो होता है, लास्ट एक्सरसाइज जो होती है, उसमें आपको होल्डिंग पोजीशन बढ़ानी है। जैसे कि आप उसी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद आज आप 30 सेकंड होल्ड करते हैं तो कल के डेट में आपका जो होल्डिंग पोजीशन होगा वो 10 सेकंड ज़्यादा होगा, यानी कि 40 सेकंड्स। एक दिन में आपको केवल और केवल 40 सेकंड्स बढ़ाने हैं। जैसे ये 1.5 मिनट के ऊपर जाएगा फिर आपका एक पुशअप्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर आपको 30 सेकंड से शुरू करना है, 60 तक जाना है। 60 तक जाने के बाद आपका एक पुशअप्स इंक्रीज होने लग जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों आपके पंच में पावर आएगा, शोल्डर में पावर आएगा। इतना पावर आ जाएगा दोस्तों अगर किसी ने खींच किक भी मार दिया तो बहुत कुछ डैमेज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप उसे पकड़ के बैठ जाएंगे, आप हाथ उठाने काबिल नहीं रहेंगे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट के अंदर यही काबिलियत होती है कि उसके अंदर मार खाने की भी क्षमता भरपूर होती है। कितना वो मार खा सकता है उसी से पता चलता है इस बंदे ने कितनी मेहनत कर रखी है। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको फटाफट बताता हूँ आपको किस तरीके से वो वर्कआउट को करना है। सबसे पहले आपको एक जगह देख लेनी है दोस्तों जिसमें आपने लेटने भर की जगह हो। लेटने भर की जगह मतलब जिसमें आपकी बॉडी पूरी पूरी फ्लैट आ पाए। वहाँ पे आपको एक पुशअप मारना है एंड 2 टाइम 1 2 पंच करना है। पंच कहाँ पे करना है उसके लिए डेमो देख लीजिए। पंच के लिए अपने चेस्ट पे एक निशान आपको देख लेना है, कहीं पे चेस्ट के बराबर इतनी हाइट पे, इतनी जगह पे आपको एक और पंच सीधा जाना चाहिए। यहाँ शोल्डर से मार रहे तो इसमें मतलब ये नहीं पंच यहाँ जाएगा, पंच आपके नाक के सामने जाएगा, नाक के नोस एकदम स्ट्रेट में ही पंच होगा। और पंच का ये वाला हिस्सा अटैक में आप ले करके आएंगे। और इस वाले हिस्से में जहाँ पे अंगूठे का बेस्ट है, यानी कि ये दो फिंगर्स, ये आपको करना है, ये वन एंड ये टू, यानी कि अंदर तक की मार पहुँचे। जब अगले को लगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हो, चोट उसे बहुत गहरी पहुँचे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हो तो कैसे किस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसकी मंथली फीस पड़ती 300 रुपीज़, व्हाट्सअप के थ्रू ही ट्रेनिंग कराई जाएगी। व्हाट्सअप पे वीडियोस मिलेंगी, उसे देख के करना होगा आपको। जहां फंसेंगे मैं वहां पे मैं खुद लाइव आकर के आपको बताऊंगा कि उस पोजीशन आपको कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं तुरंत आपको पंच मारना है, राइट, 4, 5 ये आपको करना है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक टास्क है, इसे आपको घर पे ही कंप्लीट करना है। 100 डेज का एक चार्ट बना लीजिए जिसमें इसमें दोस्तों छोटे छोटे बॉक्स हों 100, और जिस दिन आप बढ़ाते हैं उसमें लिखते चले जाना है आपको। तो बस दोस्तों आज के लिए यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।